माधुरी दीक्षित, नाम ही काफी है। इन्हें किसी खास इंट्रोडक्शन जरूरत नहीं, ये खुद ही एक बड़ा ग्रंथ है अपने आप में। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी का एक इतिहास होता है और इतिहास में कई राज दफन होते हैं। आज हम उन्हीं दफन राज की बात करेंगे जो माधुरी दीक्षित के अंतरंग जीवन से यानी कि प्रेम जीवन से जुड़े हैं। नमस्कार, फिल्मी ताराना चैनल के एक और बेहतरीन पेशकश में आप सभी का स्वागत है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि जवानी के दिनों में माधुरी पर मर मिटने वाले लोगों की संख्या गिनी नहीं जा सकती थी? उन माधुरी दीक्षित को अरेंज मैरिज के लिए रिजेक्ट कर दिया गया हो, उन्हें ये कहकर मना कर दिया गया था कि वे कुछ ज्यादा ही दुबली हैं और मुझे पसंद नहीं। जानेंगे सब कुछ, बने रहिए वीडियो के साथ। बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस में शुमार रही हैं। अपनी फिल्मों के अलावा अपने अफेयर की वजह से भी एक्ट्रेस ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन अचानक से डॉक्टर नेने संग शादी कर माधुरी ने सबको चौंका दिया। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, धक धक गर्ल अपने डांस से भी लोगों का दिल धड़का देती थी। तेजाब, खलनायक, दिल तो पागल है जैसी कई फिल्मों में माधुरी ने अपना बेहतरीन डांस दिखाया। फिल्मों के अलावा एक्ट्रेस के अफेयर्स ने भी उन्हें खूब चर्चा दिलाई। माधुरी का नाम कई शादीशुदा एक्टर के साथ भी जुड़ा और उन पर घर तोड़ने के इल्जाम भी लगे। दरअसल माधुरी दीक्षित का परिवार नहीं चाहता था कि माधुरी फिल्मों में जाएं, इसलिए कम उम्र में ही उनकी शादी करवा देना चाहते थे। उनका रिश्ता जाने माने सिंगर सुरेश वाडकर के पास जब गया, तब सुरेश वाडकर ने माधुरी को देखकर शादी के लिए इनकार कर दिया था और कहा था कि वे कुछ ज्यादा ही दुबली हैं और उन्हें वे पसंद नहीं है। वाडकर साहब को क्या पता था कि उनके मना करने के बाद वही माधुरी उनके भी दिल की धक धक गर्ल बनने वाली हैं। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित 90 के दशक की हिट जोड़ी थे। दोनों ने साथ में कई फिल्में की थी। साथ काम करते करते पहले से शादीशुदा संजय अपना दिल माधुरी पर हार बैठे। दोनों के बीच काफी तगड़ी केमिस्ट्री थी, यहाँ तक कि दोनों के शादी की भी खबरें जोरों पर थी। लेकिन मुंबई बम ब्लास्ट केस में नाम आने के बाद माधुरी ने संजय दत्त से मुंह फेर लिया और अपने सारे रिश्ते उनसे खत्म कर लिए। कहा तो ये जाता है कि संजय दत्त के अपनी पत्नी से डिवोर्स के लिए भी माधुरी दीक्षित ही जिम्मेदार रही हैं। संजय दत्त के अलावा माधुरी की जोड़ी अनिल कपूर के साथ भी खूब पसंद की जाती थी। खबरों की माने तो दोनों की सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी काफी अच्छी थी। अनिल और माधुरी ने लगभग 18 फिल्में साथ में की थी। गुमनामी में जी रही माधुरी को पहली बार फेम अनिल कपूर के साथ वाली फिल्म तेजाब के गाने 1-2-3 से ही मिली थी। फिल्म में दोनों की जोड़ी भी लोगों को खूब पसंद आई थी। अफवाहें चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन दोनों ने मीडिया में कभी भी अफेयर की बातें को कबूला नहीं था। अनिल कपूर के अलावा माधुरी दीक्षित का अफेयर क्रिकेटर के साथ भी रहा है। वैसे ये देखा गया है कि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस क्रिकेटरों के प्रति कुछ ज्यादा ही आकर्षित रहती हैं। माधुरी की लाइफ में आने वालों की लिस्ट में क्रिकेटर अजय जडेजा का भी नाम शामिल है। दोनों एक एड शूट के दौरान मिले थे, उस वक्त दोनों का करियर पीक पर था। दोनों की डेटिंग की खबरों के बीच अजय का नाम 1999 में मैच फिक्सिंग में आ गया। एक तरफ क्रिकेटर का करियर खत्म हुआ तो वहीं दूसरी ओर माधुरी ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया था। कहा तो ये भी जाता है कि अजय जडेजा की फैमिली एक रॉयल फैमिली थी और वो नहीं चाहती थी कि माधुरी दीक्षित जैसी फिल्मों में काम करने वाली लड़की उनके घर में आए। संजय दत्त, अनिल कपूर और अजय जडेजा के अलावा माधुरी का नाम अक्सर जैकी श्रॉफ के साथ जोड़ा जाता है। जैकी श्रॉफ और माधुरी एक समय पर काफी क्लोज आ चुके थे। हर फिल्मी पार्टी में साथ ही आते और जाते नजर आते थे। यहाँ तक कि उन्हें कई बार टूरिस्ट स्पॉट पर भी देखा जा चुका था। माधुरी की शादी की बात सुनकर सबसे ज्यादा दुखी तो जैकी दादा ही हुए थे और उन्होंने इसकी नाराजगी भी एक इंटरव्यू में जता दी थी। साल 1999 में ही माधुरी अपने भाई से मिलने अमेरिका गई, जहाँ उनकी मुलाकात भाई के दोस्त श्रीराम नेने से हुई। महज 3 महीने डेटिंग के बाद ही माधुरी और डॉक्टर नेने ने शादी का फैसला किया।
अचानक से शादी कर माधुरी ने हर किसी को चौंका दिया। शादी के बाद भारत वापस आकर पहले तो माधुरी ने अपने सारे अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा किया और फिर फिल्मी दुनिया को छोड़ अमेरिका शिफ्ट हो गई थी। 12 साल बाद माधुरी पूरे परिवार के साथ मुंबई लौट आई और एक बार फिर से फिल्मों में जुड़ी हैं। माधुरी और डॉक्टर नेने के दो बेटे भी हैं। वहीं एक्ट्रेस अक्सर सोशल मीडिया पर अपने परिवार के साथ अपने फोटो भी लोगों को दिखाती रहती हैं। अगर छुटपुट अफेयर्स की बात करें तो गोविंदा और मिथुन चक्रवर्ती भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, जिनका कुछ न कुछ माधुरी के साथ जरूर रहा है। बहरहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। कैसा लगा आपको धक धक गर्ल की गुदगुदी करने वाली लव लाइव के बारे में जानकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, क्या इनके माता पिता का फैसला सही था इनके शादी 18 साल की उम्र में कराने का या नहीं? आपसे मुलाकात होगी जल्द। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।